नमस्कार, मेरा नाम है अजमल। मेरा नाम इस्बा। मैं हूँ अलीजा। सो गाइस वेलकम बैक, कहते हैं आपको अपने इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे और हमारी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं KTM बाइक, नहीं पल्सर बाइक 220। ये वीडियो जो है हमारे एक व्यूअर ने सजेस्ट की थी, उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया। उन्होंने कहा था आपने इस पे वीडियो लाजमी बनानी है। सो हमारे व्यूवर्स के और हम ना बनाए ये कैसे हो सकता है। सो आए देखते हैं वीडियो, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ वीडियो। इंडिया से मिलती है। ओ नाइस, वाओ। वेलकम टू बजाज पल्सर, योर बाइक इज पावरफुल मशीन, प्लीज ड्राइव केयरफुली। कह रही है अपने इख्तियार से चलानी है। वाओ क्यूट, नाइस। ऐसे कोई बच्चा नहीं देखता जान के खड़ा है चला। तीनों कलर कितने खूबसूरत है। Thank you.
नाइस प्रपोज कर रहे हैं गर्लफ्रेंड है चल चल भाई रेस लगी अपुन भी बाइक अपनी उतारेंगे क्या है मुझसे जलने वाले जल जल के काले हो गए जब उतरी अपनी बाइक तो पूरे रोड खाली हो गए अड़गे ब्रह्मनिडम मन कोड़क पोइरंदे सारी बाइक्स बहुत ज्यादा वेंडम हांड पल का तिरक वेंडम एंड अब सेम चेंज है ना प्रॉब्लम केरला वगैरह इस तरह की स्टेट है कोई एक होता है तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा नहीं रो नहीं दिला इस स्टाइल से बाइक खड़ी नहीं देखा सारे स्टाइल से आज हमने देखी पल्सर 220 जो कि बहुत ही प्यारी बाइक है और जैसे लाइक केटीएम बाइक थी वो उसका अपना एक अलग लेवल है उसकी अपनी एक क्या कहते हैं पहचान है जो इंडियन बॉयज हैं वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं केटीएम बाइक्स को मैं काफी ज्यादा कमेंट्स पढ़ा था देख रहा था कि हमारे बहुत सारे व्यूअर कह रहे थे कि ये जो बाइक है इसको लफंटर बाइक कहते हैं टपोरी बाइक कहते हैं तो मतलब जो उस तरह के लड़के हैं वो केटीएम बाइक को ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन जो पल्सर 220 है वो भी बहुत प्यारी बाइक है नहीं मतलब अब उनको ही होगा देखते होंगे हाँ ये मतलब शेप से फ्रंट जो शेप है वो बहुत प्यारी है और मेरा ख्याल है ये बाइक जो है ना आती ही इसी तरह है कि इसको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं अगर आप करना चाहते हैं थोड़ी बहुत कोई स्लेंसर चेंज कर लिया या व्हील वगैरह चेंज कर लिया या कोई थोड़ा बहुत स्टिकर लगवा लिया वो चीज आप कर सकते हैं अदरवाइज मेरे नहीं ख्याल कि इसको मॉडिफाई करवाने की जरूरत है सो जितनी भी बाइक्स थी बहुत प्यारी थी ज्यादातर तो एक ही कलर देखने के लिए मिला लेकिन एक बीच में जो नियॉन और ब्लैक कलर आया था वो बहुत ज्यादा कमाल का था मतलब दिल आ गया था उस पे सो ओवरऑल सारी ही बाइक्स बहुत प्यारी थी एक मसला ये आ रहा था कि जो पीछे लैंग्वेज थी या सॉन्ग थे ना उनका थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो रही थी तमिल या केरला स्टेट वाले जो है शायद वो उनकी लैंग्वेज है तो वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं सो ओवरऑल जो वीडियो थी जो बाइक्स थी बहुत कमाल की थी यार मजा आ गया एग्जैक्टली अब मैं क्या बोलूं क्योंकि इतनी खूबसूरत बाइक इतना खूबसूरत मेरा फेवरेट कलर ब्लैक कलर जो था इस बाइक में और बाइक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी लाइक पाकिस्तान में अगर रॉयल लग रही थी रॉयल लुकिंग एग्जैक्टली अगर पाकिस्तान में होती तो हर लड़के हर लड़की के पास होती क्योंकि इसको देख के प्यार नहीं आएगा तो क्या हर किसी का दिल करता है यार हम एग्जैक्टली सो बहुत ज्यादा प्यारी थी और मुझे पर्सनली खुद लाइक केटीएम बाइक जब मैंने देखी थी तो मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आई थी और अभी भी वो बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन जो इसका फ्रंट है ना वो बहुत ज्यादा कमाल का है सो ओवरऑल दोनों ही ज्यादा बहुत ज्यादा प्यारी हैं लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस बाइक की सो ये बाइक भी बहुत ज्यादा प्यारी है बिल्कुल जी बाइक वाकई में बहुत खूबसूरत है और जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है क्योंकि ये कहते हैं ना क्या अपनी जुबान क्या अपनी तारीफ खुद बयान करती है सो आई थिंक आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी हमारे लक्ष्य अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़